दर्शकों, एक बार फिर जयगांव पुलिस प्रशासन को मिली है नशा के खिलाफ बहुत ही बड़ी सफलता, और नशा के खिलाफ जयगांव पुलिस प्रशासन का अभियान जारी है, निरंतर जारी है। नमस्कार दर्शकों, इस समय आप सभी के समक्ष जुड़ रहे हैं जयगांव दो ग्राम पंचायत क्षेत्र के त्रिवेणी टोल रोड नंबर 2 से, जहां पे एक घर से एक व्यक्ति के पास भारी मात्रा में नशीली पदार्थ पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि संभवतः ये व्यक्ति जो है भूटानी नागरिक है और यहाँ पे एक भाड़े के घर में बैठकर इस नशीली पदार्थ का व्यापार कर रहा था। आप सभी को बता दें कि देर रात को एक अभियान चलाया गया और जयगांव पुलिस प्रशासन को भारी मात्रा में नशीली पदार्थ इस व्यक्ति के पास से, उसके घर से पाए गए हैं। इसके पास से भूटानी नागरिकता का एक कार्ड भी, सिटीजनशिप कार्ड भी पाया गया है। यह अभियान जो है कल रात करीबन 9-10 बजे के आसपास चलाया गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस अभियान के दौरान SDPO सर प्रशांत देवनाथ, सेकंड ऑफिसर इंचार्ज आरूप वैद्या और जयगांव थाना के पुलिस अधिकारी अमृत लामा एवं अन्य उपस्थित थे। इस अभियान के दौरान मजिस्ट्रेट के रूप में कालचीनी BDO मौजूद थे और इस कार्रवाई के दौरान 42 बोतल कप सिरप एवं 1872 पीस SP कैप्सूल्स, नशीले कैप्सूल्स पाए गए हैं जो नशे के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे थे। इस भूटानी नागरिक संदेह भूटानिक नागरिक को हिरासत में लेकर इसके खिलाफ NDPS धारा के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप सभी के समक्ष ये दृश्य साझा कर रहे हैं। जयगांव पुलिस प्रशासन को एक बार फिर भारी सफलता मिली है। संभवतः भूटानी नागरिक बताया जा रहा है, जिसका नाम जो है सिरिंग नोरबू बताया जा रहा है, और त्रिवेणी टोल में एक भाड़े के घर में यह नशीले पदार्थ का व्यापार कर रहा था। अधिक जानकारी के लिए हम लोग सीधे बातें करेंगे सेकंड ऑफिसर इंचार्ज आरूप वैद्या से और आप सभी के समक्ष जानकारी साझा करेंगे। दर्शकों, আজকে সন্ধে 7:30-8 নাগাদ আমাদের কাছে খবর আসে যে ত্রিবেণী টোল রোড নম্বর 2 ওখানে একটা ছেলে, তার নাম সিং নোরবু, সে তার কাছে কিছু ট্যাবলেট এবং কাপ সিরাপ রেখেছে। তো আমরা সেই সোর্সের খবর মতো আমরা সেখানে একটা পুলিশ টিম করে সেখানে যাই এবং তার বাড়িতে হানা দিই, এবং হানা দিয়ে সেখান থেকে আমরা 42 বোতল কাপ সিরাপ আর 234 স্ট্রিপস, 1872 ক্যাপসুলস মানে ট্যাবলেট যেগুলো আমরা ওর কাছ থেকে সিজ করেছি, এবং সিজ করে তাকে আমরা কাস্টাডিতে নিয়ে আমরা প্রপার ধারা NDPS তার রিকোয়েস্টে আমরা মামলা করে আগামীকাল তাকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করে রিমান্ড নিয়ে আসবো। অ্যাকচুয়ালি আমরাও তার কাছ থেকে একটা ভুটানের নাগরিকত্ব একটা কার্ড পেয়েছি, সেটা আমরা পরবর্তী তারা তদন্ত করে দেখবো যেটা অ্যাকচুয়ালি সে কোথাকার। হ্যাঁ, যতদূর এখন পর্যন্ত তদন্তে জানা গেছে যে ও বাইরে থেকে নিয়ে এসে ওখানে রাখে এবং ছোট ছোট কাস্টমারদের কাছ থেকে বিক্রি করে। হ্যাঁ, ওই বাড়ি থেকেই ও বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাই দিত আর কি। ওটা আশা করছে ওর, মানে যতটা জানা যাচ্ছে ওটা ভাড়া বাড়ি, ওর নিজের বাড়ি নয়। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।